अजय नबी पाक ने ना सना के मुतलिक पाबंदी लाई है, अजय नबी पाक ने ना सूर खाने पाबंदी लाई है, अजय नबी पाक ने ना शरा कोई अजय गल नहीं की, सिर्फ आख्या वो एक के इन्नी तकलीफ हो गई। कमाल है, मेरा मेरी गल पूरी तरह सुन लेना। तकलीफ होंगी है किसी वजह तो, जिस बंदे ने कुरान की बेहुरमती की है उन्होंने कुरान की कोई तो तकलीफ है ना? बोलो यार जे कोई तकलीफ नहीं। अच्छा साढ़े मुसलमाना ने कभी अंजील की गुस्ताखी की हो, सू कोई तकलीफ ही नहीं। असा तौरात की गुस्ताखी की हो, सू कोई तकलीफ नहीं। ऐ नौजवानों तुहाडे ऐ ननकाना साहब उन्हों का जरा पढ़ते ने सिख अपनी किताब की उन्होंने आते ग्रंथ इन्हें वह पढ़ते हैं उत्थे पई उन्होंने किताब, सानू कोई तकलीफ नहीं है। इन्ना बाद पई ग्रंथ किताब उन्होंने सिखा की, सानू कोई तकलीफ नहीं। असी गुस्ताखी क्यों नहीं करते, सानू तकलीफ कोई नहीं। वो यारा गुस्ताख हो हों, तकलीफ हो रहा है तो गुस्ताख हों। जे बंदे कुरान की तकलीफ हुई है स्वीडन तो पूरी दुनिया तड़प के रह गई है। कुरान की तकलीफ हुई है ना, एक बड़ी गल है, जिनी कुरान की तकलीफ हुई है ना इन्नी कभी साहेब कुरान की हो जाए ना तकलीफ। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा अच्छा मामला हो जाए। इस वेले कुरान की तकलीफ हुई है, मैं समझना भी उन्होंने कुरान की कोई तकलीफ उन्होंने है ना, है या नहीं? वो यार है, फिक्र नहीं करनी, उन्होंने कुरान की कोई तकलीफ हुई है। मैं एक ही गल करना, दुश्मन मर जाए ना तो तकलीफ मुक जाती। दुश्मन जदों तक जिंदा रहे बंदे नूं तकलीफ रहिंदी, जिद्दण दुश्मन की मौत हो जाए वह बंदा फ्रैश हो जाता, ठंड पै जाती, वो आंदा लो भाई मुक गया जे। इहदा मतलब है दुश्मनी मुक जाती है जदों कोई मर जाए। जे कुरान जिंदा नहीं तो दुश्मनी क्यों है? इहदा मतलब है कुरान एक जिंदा किताब है, कुरान एक हयाती वाली किताब है। इहदी तकलीफ है ना, जिनी उन्हू तकलीफ हुई है उन्हू साडा ओडा सानू इहदा आराम है, सानू ओडा ही सुकून है जिनी उन्हू तकलीफ हुई है। इहदा मतलब है कुरान जिंदा है, मौजूद है। इहदी तकलीफ है की तकलीफ है वह मैं दसना। जिहड़ी तकलीफ सी ना कुल हो वल्ला हो आहद दी मुशरकीन मक्का नू, वो तकलीफ इस कुरान की अज गैर मुसलम नू। नबी ने फरमाया वो एक है, उन्होंने तकलीफ हो गई। उन्हें आख्या एक नहीं 360 साढ़े वाले भी बिच पा लो, एक तुहाडे वाला भी मन जाना, सानू की पिया हुंदा जिथे असी 360 नू पै मनने आ, वो एक तुहाडे वाला सानू की आखण लगा। शुरू तो कट्ठे रहे हैं तो इत्थे ही रहे हैं, तुहाडे सामने 360 ने। साडा मीह पाण वाला वखरा है, धुप लाण वाला वखरा है, मुंडे देण वाला वखरा है, कुड़ियां देण वाला वखरा है। यानी उन्हें बुत वखरे वखरे बनाए सन अपने अपने हिसाब से, नहरी लियाण वाला वखरा, नहरी खिलारण वाला वखरा, वो मबूद वखरे वखरे बनाए सन। जिवें हस्पताल च हुंदे ने शोभे, दिल वाला हो रहे, सीने का स्पैशलिस्ट हो रहे, अख कन्न गले का हो रहे, उन्हें मबूद भी वखरे वखरे महकमे बनाए सन कि ऐस काम आंदा है, ऐस काम आंदा है, ऐस काम आंदा है। पैगंबर आजम ने जो आख्या ना वल्लाहु आहद, वो ज्यादा नहीं वो एक है, जेड़ा इबादत दे काबिल है वो एक है, जेड़ा सजदे दे काबिल है वो एक है, जेड़ा रकू दे काबिल है वो एक है, जेड़ा झुक जान दे काबिल है वो एक है, वो एक है, ऐ कोई नहीं। हजरत अबू तालिब को आए बंदे, उन्हें आख्या अपने भतीजे नूं समझा मेहरबानी करे कि अपना मनवाए साड्या नूं कुछ ना आखे। यार अपना जो मनवाना तो मनवाए, साड्या नूं कुछ ना आखे। उन्हें आख्या कि जो कुछ आंदा पिया तुहाडा की ख्याल गलत पिया आंदा? उन्हें आख्या नहीं, वो सादिक आंदा वो ठीक है साडे इलम च, लेकिन असी जिन्हां नूं मनने आ इन्नी देर तो एडी छेती साढ़े को छड़े नहीं जाते, जिन्हां नूं एडी देर दे पे मनने आ। वो जिन्हों बंदा बहुता चिर मन जाए उन्हें छड़ना बड़ा मुश्किल होंदा जे। उन्हें आख्या जदों दे असी पे मनने आ ना, तो साडे प्यो भी इहनूं मनदे सन ते दादे भी मनदे सन। आ कुरान की मैं आयत पढ़ देना, नबी फरमाया तुहाडे दादे भी बेवकूफ सन, तुहाडे अबे भी बेवकूफ, उन्होंने भी कोई नहीं सी पता वो हदायत तो नहीं सन, तो तुहानू भी कोई नहीं पता लगता की पे करदे हो। वो भी बेचारे कमले तो चले सन, तुसीं भी कमले तो चले हो, ये किसी काम के है नहीं। उन्हें आख्या जी जिवें दे भी हैं ना, तुसां गौर नहीं फरमाया, तुसां बहुत शुक्रिया हुण तुहां तवज्जो फरमाई, जिवें दे भी हैं ने असीं तो इन्हां नूं मनने ही आ ना। पैगंबर ने आख्या भी नहीं, ये किसी काम के है नहीं, इन्हां नूं मनदा फायदा कोई नहीं, ना ये फायदा दे सकते ने, क्या बात है तुहाडी, ना ये नुकसान दे सकते ने, किसी काम के नहीं। उन्हें आख्या जी ये सारे काम यही करते जे, आड़े बदल आते जे, आ लिया जे, जो वापस करता है वह आ जे, जो धुप चाड़ता है वह आ जे, जो बेटे दिता वह आ जे, जो बेटियां दिता वह। आपने फरमाया बाप जी सारे काम कर दे, सारे काम कर दे। नबी पाक ने फरमाया कि तुहाडा बुत कित्थे वे? उन्हें आख्या अंदर कर पे। उन्हें आख्या तुहाडा कित्थे वे? उन्हें आख्या साडा ते आ पे। उन्हें आख्या तुसां अंदर क्यों रखे? उस आख्या साडा सोने दा, मैं चुक लै जा
ते एदा मिट्टी दा एदा कोई लै भी गया ढा भी गया तो नवा बना लेगा तेरे दलाल देन तो सदके। वो बोल रहा है जिदी जबान चूसन वाला बोले तो नहजुल बलागा बनती। मौला तुहानू जज़ा दे।